इतना बड़ा अधिकारी हो, शादी में गाड़ी काहे नहीं लिए, स्कूटर काहे लिए? अरे बुआ जी, अब आईपीएस सर अधिकारी स्कूटर है। रखवा दिया है श्रेष्ठा, तैयार करवा के। ठीक है। होगा मुंह का छुपा रहे हो। रतिशंकर सर। कौन रतिशंकर? अरे जो हमको कोचिंग पढ़ाते थे यूपीएससी का। हाँ बेटा भागा, फूटने का इंतजार करो। चलो यहाँ चलो चलो, निकालो हमको, निकालो यहाँ से, निकालो। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो बाबू? इनसे तो मिल लो, डिंपल के फूफा जी हैं ये। नमस्ते फूफा जी, बाथरूम करवा के ले आते हैं, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अरे ये ले जाएंगे तुम्हें, जाइए जाइए, छोड़ के आइए। अरे नाचने थोड़ी जा रहे बाथरूम हम। बुआ जी वरमाला का टाइम हो गया, सब नीचे आ जाओ। लुक दे रहे हैं, चलिए ना। आवाज हमने सुनी है। अरे सुनी होगी, आईपीएस अधिकारी है, कितनी बार बोले आपको। राजा जी अब तो हमारी शादी भी हो रही है, अब तो सर हटा दीजिए। डिंपल जी रहने दीजिए ना। डर रहे हैं क्या? हम क्यों डरेंगे, काम करते हैं, हम ही हटा देते हैं सहरा, आपका फोटो अच्छा आएगा। डिंपल जी रहने देते हैं ना। हटा दीजिए, सच में बहुत अच्छा फोटो आएगा। अरे फोटो खिंचवा लेंगे ना आराम से बात। अरे रुकिए आप। अरे एक मिनट एक मिनट। दूल्हा सहरा खुद हटाएगा। लेकिन सहरा हटाइए, आप हटाइए सहरा। ये शादी नहीं हो सकती। अरे कोई आईपीएस वाईपीएस नहीं है ये लड़का, झूठ बोला है इसने। अरे आईपीएस छोड़िए, इसकी तो 5 साल से प्री तक क्लियर नहीं हुई है, बेरोजगार है ये। आईपीएस बोलकर एक बेरोजगार लड़का हमारी बेटी से शादी करने चला था। अरे भाई शक्ल क्या देख रहे हो, सबके सब आगे बढ़ो, इस दूल्हे को नीचे उतारो। गोलू उतारो इसे। अरे उतारो इसे, उतारिए। एक मिनट। हाँ, हम नहीं निकाल पाए यूपीएससी, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, पर हम आपको धोखा नहीं दिए डिंपल जी। 5 बार यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं, पर एक बारी भी प्री तक क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन जब आप हमारी जिंदगी में आई तो हमारे अंदर मोटिवेशन आई। लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हम अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। हम बताना चाहते थे डिंपल जी आपको, लेकिन डरते थे कि अगर आपको पता लग गया तो कहीं हमारी शादी न टूट जाए। आप लोग हमें जो कहना है वो कहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप लोगों की वजह से हमारी डिंपल जी की आंखों में आंसू हैं। अरे हम अरे बंद करो अपनी भाषणबाजी और निकलो बाहर। अरे निकालो इसे बाहर, बाहर निकालो इसे। एक मिनट, डिंपल जी, डिंपल जी हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हम आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, हम बस बता नहीं पाए आपको, डर लग रहा था कि अगर बता देंगे तो कहीं आप हमसे शादी ना तोड़ दें, हो सके तो हमें माफ कर देना और हमसे नफरत मत करना डिंपल जी। रुकिए राजा जी, किसने कहा आपको जाने को? हम बोले आपको जाने को? ऐसे कोई अपना ब्राइड को स्टेज पर अकेला छोड़ के जाता है क्या? और हाँ, है ये बेरोजगार, और ये बात हमको अच्छे से मालूम था। हमको ये भी मालूम है कि हमको खुश रखने के लिए इनका आईपीएस होना जरूरी नहीं है, हमको खुश रखने के लिए प्यार चाहिए, पैसा नहीं।
और हम शादी करेंगे तो सिर्फ राजा जी से। जिसको दिक्कत है वो जा सकता है, और जिसे नहीं है वो रुके और शादी देख कर जाए। सही कह रहे हैं ना हम राजा जी? चलिए हाथ दीजिए। पल जी एक बात पूछे। कहिए। आपको कैसे पता है कि हम आईपीएस नहीं है? कौन बोला कि हमें पता है? हम तो झूठ बोले बस। झूठ? झूठ कहा है? कहा है कि आप जब स्पीच दिए ना तो हम इम्प्रेस हो गए, और जब आप हमसे माफी मांगे तो हम तो फ्लैट ही हो गए। एक और बात बोले। बोलिए। आई लव यू।